मुंबई की नंदिनी रोड में स्थित शराब दुकान को बंद कराने के लिए वार्ड की महिलाओं ने पदयात्रा निकालकर विरोध जताया है। इस दौरान आक्रोशित वार्डवासियों ने नगर विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छावनी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। रोड में जो शराब दुकान है, इससे यहाँ के आसपास के रहवासी और व्यापारी अत्यधिक परेशान हैं और कई लोगों ने अपना व्यापार बंद कर दिया, अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और ये एक तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है कि औने पौने दाम में वहाँ जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकानों को बेच दें और इसके लिए लगातार कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। ये जो शराब दुकान है नंदिनी रोड पर, यह भिलाई विधायक की शराब दुकान है जिसका किराया उनको जाता है 2 लाख रुपए, इसलिए यह शराब दुकान पर प्रशासन हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होता है, है ना। और ये बात लगभग बहुत सारे लोगों को मालूम भी है कि वो दुकान किसकी है। लगातार वहाँ पर लूट की, खसोट की, छिनतई की घटनाएं हो रही हैं। जब पुलिस को देखते हैं आपराधिक किस्म के लोग जो शराब पिए रहते हैं वो गलियों में भागते हैं, लोगों के घरों का दरवाज़ा खोलते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, नहीं देने पर उनके यहाँ गाली गलौज करते हैं, पत्थर मारते हैं या उनके घर चोरी करते हैं। ये दोनों ही वार्ड जो यहाँ से लगे हुए हैं और रोड के उस पार के 2 वार्ड, ये 4 वार्ड के लोग इस शराब दुकान, दोनों ही शराब दुकान से बहुत ज़्यादा परेशान है। व्यापारी इतना परेशान है कि इनके व्यापार बंद हो गए हैं, यहाँ कोई भी ग्राहक आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ग्राहकों से पैसे छीन लिए जाते हैं, उनका सामान छीन लिया जाता है। इस बात को लेकर के यहाँ के स्थानीय रहवासी लगातार जिला प्रशासन को, कलेक्ट्रेट में लगातार ज्ञापन देते रहे कि शराब दुकान को यहाँ से अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, पर प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। हम लोगों ने परेशान होकर के 1 सप्ताह पहले कलेक्टर महोदय को इस शराब दुकान के संदर्भ में ज्ञापन दिया था कि 1 हफ्ते की समय सीमा में प्रशासन इस शराब दुकान के ऊपर कोई कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोगों को आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और आज 1 सप्ताह पूरा होने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई या कोई कदम उठाता हुआ नहीं दिखे, आज से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हमारे जतका वहाँ से हमारे सामान्य पब्लिक, महिला, पुरुष, बच्चियाँ जो कॉलेज आते जाते इतना ज़्यादा छेड़खानी, हम स्वयं भी वो रास्ते से डेली हमारे रूटीन के रास्ता हरे हुआ। और सबसे पहले जे राज्य के मुखिया लब रहे तर विधायक से तो हम ज़्यादा अपेक्षा कर भी नहीं सकन, कबर के ओकर वादा तो 2 साल से है और जाना तो हमारे अतका सियान मन हमारे मन के संग में है और अतका कड़ा धूप में हम उनके साथ अगर आज आंदोलन पर तैयार हो है तो कहीं ना कहीं बड़े समस्या है आज हमारे बीच में। और ये जब तक ये दुकान नहीं हटी तब तक हम वादा करते हैं कि हर रोज एक नया आंदोलन करबो। हमारे पूरा महिला टीम, हमारे पूरा भिलाई की महिला टीम, हमारे दुर्ग से हर महिला टीम हमारे घर घर से निकली और हमारे जनता हमारे साथ दी। और ये लबरा सरकार उखाड़ फेंकना ये तय करके हमें ले जाना है, दशहरा भट्टी हटाना ये तय करके जाना है। और ये प्रण के साथ आज हम ये पुलिस प्रशासन के पास पहुँचे हुए हैं बहुत विश्वास के साथ, ताकि हम ये बीच में बैठवा तो हम लोग बहुत सारा तकलीफ हुई, जेकर से हमला दूर रखे पर प्रशासन के सहयोग चाहिए। प्रशासन के हाथ में शराबबंदी नहीं है, प्रशासन महिलाओं और बच्चियों को क्या समझ मुख्यमंत्री।